तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वक्त नॉनस्टॉप 100 का है। 100 खबरें दिखाने से पहले इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है। छपरा में पशु चोरी के आरोप में 3 लोगों को पीट पीट कर मारने की घटना हुई, तो इसकी आज संसद तक पहुंच गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की है कि सरकार मॉब लिंचिंग रोकने के लिए सख्त कानून बनाए। बिहार में मॉब लिंचिंग हुई है, मवेशी चोरी के आरोप में 3 लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया है। भीड़ ने इन 3 लोगों को मारा है। आरोप यह था कि ये 3 युवक मवेशी चुराने आए थे, ग्रामीणों ने इन्हें पकड़ा और पीट घाट उतार दिया। 2 की घटनास्थल पर मौत हो गई, 3रे की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई। द ऑनरेबल होम मिनिस्टर इज हियर। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि एक मॉब लिंचिंग पर कानून बनाइए, आप क्यों नहीं बनाते? सर आप तो सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर को कानून बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते? आज बिहार में हुआ सर। और सर आखिर में तबरेज अंसारी को मारा गया। सर तबरेज अंसारी का आप देखिए मुल्क में कितनी हेट्रेड है मुसलमानों के खिलाफ। मैं कह रहा हूं खत्म कर रहा हूं सर। मारने वाले रात भर मारे, पुलिस लेकर जाती है दवा अस्पताल को, अस्पताल वाले नहीं देखते, जुडिशियल कस्टडी वहां नहीं देखते। सर जब संजीव भट्ट को 18 साल के बाद सजा हो सकती, हम उम्मीद करते कि झारखंड की सरकार भी उन तमाम पुलिस अफसर को, उन जुडिशियल अफसर सजा देगी। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाइए सर, वरना जो लोग खड़े हो चुके हैं, और मैं होम मिनिस्टर से कहना चाह रहा हूं कि आपको बैन करना पड़ेगा इन लोगों को। आपने फ्रैंकेंस्टाइन को खड़ा, सर खत्म कर दीजिए सर, प्लीज सर खत्म कर दीजिए, एक आधा मिनट सर। मैं आपके जरिए से होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि एक फ्रैंकेंस्टाइन खड़ा हुआ है, आपको किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो याद रखिए ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आज 302 है मगर कल नुकसान पहुंचाएंगे देश को और आपको। थैंक यू। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।